Recording in progress. Hello students, I, Ms. Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. I have completed my master's in business management and I am set and net qualified in the subject of commerce. So, agar aapne meri last videos dekhi hogi to aapne syllabus understand kiya hoga communication topic ka और उसके ऊपर मैंने 4 वीडियोस बनाई थी कुछ क्वेश्चंस के साथ. तो अभी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप दूसरे टॉपिक्स को भी लीजिए, तो इसलिए आज मैं दूसरा साथ में टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर्स भी और एज लर्नर्स भी. तो हमारे यूनिट 1 रहता है पेपर 1 का, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड. अब आप सबको पता है हम टीचर्स है और हमारा प्रोफेशन टीचिंग है और हमारी एक्टिविटी को हम बोलते हैं टीचिंग. और एप्टीट्यूड क्या रहता है, किसी चीज की तरफ हमारा इंक्लिनेशन या हमें कोई चीज को हम लर्न करने की एबिलिटी रखते हैं और हमारा इंटरेस्ट है तो हम उसको एप्टीट्यूड बोल सकते हैं. तो मैं जैसे हर बार रिपीट करती हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन इट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. हमें नेट सेट में सब कुछ पढ़ना होता है. अब सब कुछ में कितने टॉपिक्स आ रहे हैं आपके पास, पेपर 1 में 10 टॉपिक्स रहेंगे और आपके जो भी पेपर 2 का सब्जेक्ट रहेगा उसमें भी मिनिमम 10 टॉपिक्स तो रहेंगे. तो 20 टॉपिक्स को एक साथ लेके जाना कितना डिफिकल्ट रहता है. तो जब तक हम सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम कभी भी उसको इजी वे में स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द सिलेबस ऑफ दिस टॉपिक. It is broadly divided into 6 subtopics and those topics are further divided into various topics. तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये topic उनके लिए बहुत easy है जिन्होंने B.Ed complete किया है. और हमें याद रखना है जब भी हम teaching, classroom और other learner related questions आते हैं तो वो generally हमको एक positive attitude, क्योंकि अगर जब तक question में हमें negative find out नहीं करना है हमारा approach हमेशा positive रहेगा. और हमें हमेशा इसमें रीसेंट ट्रेंड्स की अवेयरनेस रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है टीचिंग एप्टीट्यूड जो हायर एजुकेशन से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसको हम डिजिटल इनिशिएटिव से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि वो हमारा आईसीटी में कवर हो जाएगा. तो ये बहुत सारे टॉपिक्स का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन. तो हमें कभी कभी ओवरलैपिंग भी रहती है और एज टीचर्स ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक होना चाहिए बिकॉज इट इज ऑल अबाउट अवर टीचिंग. तो लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस. अब देखिए फर्स्ट मेन हेडिंग जो मैंने बोल की है वो टीचिंग है. टीचिंग के अंदर हमको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग. अब ये देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर हमारे पास 3 लेवल्स है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, जो उन्होंने क्लियरली ब्रैकेट्स में मेंशन किया. नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स. तो जब एक हमारे पास मेन टॉपिक है टीचिंग तो इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव या लेवल्स. अब आप जब अगर पास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे या आप सिलेबस देखेंगे तो लेवल्स ऑफ टीचिंग पर आपको श्योर शॉट एक क्वेश्चन आने वाला है. तो ये हमारे 3 लेवल्स है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, जिसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. नेक्स्ट हमारे पास लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अब यहाँ पर लर्नर कौन होते हैं, जो स्टूडेंट होता है, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लर्नर. तो फिलहाल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अगर मैं टीचर हूँ तो आप मेरे लर्नर काउंट होंगे. तो रिलेटेड टू द स्टूडेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स. अब आपको पता होना चाहिए एडोलेसेंट कौन होता है और एडल्ट कौन होता है. अब उन्होंने एडल्ट लर्नर्स को ब्रैकेट में लिखा एकेडमिक रिस्पेक्ट से, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव. अब हमें एकेडमिक का मतलब पता होना चाहिए, हमें सोशल का मतलब पता होना चाहिए, हमें इमोशनल का मतलब पता होना चाहिए और कॉग्निटिव. ये जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे हम डिस्कस करेंगे. मैं हर बार अपने हर सेशन में रिपीट करती हूँ कि नेट सेट एक रट्टा एग्जाम नहीं है. जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, जितना आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग है, जितना आप टर्म से फेमिलियर है, अब आपको कॉग्निटिव का तुरंत मतलब पता होना चाहिए तो वहां पर हमारी स्कोरिंग बहुत इजी वे में हो जाती है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक टीचर को स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है. अब जैसे कोई स्टूडेंट फास्ट लर्नर होगा, कोई एडवांस्ड होगा, कोई स्लो लर्नर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती है, बॉडी रिलेटेड भी रहती है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है लर्न करने की, किसी की कम. तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाएगी, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब अडल्ट लर्नर्स की बात करें तो वो हायर एजुकेशन के टॉपिक से भी पूछा जा सकता है. तो देखिए एक ही टॉपिक में हमारे कितने ओवरलैपिंग भी टॉपिक्स हैं. फिर हमारे पास एक थर्ड टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर,
सपोर्ट मटेरियल। अभी कोई भी चीज जो हमारी पढ़ाई को सपोर्ट करती है, हमारी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है, वो हमारा सपोर्ट में, वो पीपीटी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे टीचिंग एड्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हो सकती है, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन। जैसे अगर आप कंप्यूटर टीचर है, अगर आपको प्रॉपर लैब फैसिलिटी नहीं, या तो आप अगर फिजिकल एडुकेटर है, आपको ग्राउंड फैसिलिटी नहीं दी जाती, तो आप कितना भी कर लीजिए, आप अच्छे टीचर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको सपोर्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर कोई भी फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत रीसेंट है, और एज टीचर्स हमें ये अपडेटेड रखना है। टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से, जिस पर टीचर का इंपॉर्टेंट रोल था। लर्नर सेंटर्ड मेथड है जो हमारे स्टूडेंट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी बढ़ती है। ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, और आपको पता है ये कोरोना वायरस के टाइम से पैंडेमिक में बहुत सारे मेथड्स अब हम ऑनलाइन हो गए। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए उन्होंने, स्वयं प्रभा, ठीक है, ये सब डिजिटल इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन के लिए। MOOCs, अभी आपको तुरंत MOOC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कितने कोर्सेज, इसका मीनिंग क्या है, सब ये चीजें ना, तो एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन फिर से ICT में रिपीट हो सकते हैं, हायर एजुकेशन में भी रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अभी कोई भी चीज जो हमारी टीचिंग सपोर्ट करिए यहाँ पर, तो वो ट्रेडिशनल मेथड रह सकता है, चौक एंड डस्टर मेथड, वो मॉडर्न मेथड रह सकता है, या हम बोल सकते हैं ICT बेस। आजकल ब्लेंडेड लर्निंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ मेथड यूज कर रहे हैं। फिर इवैल्यूएशन सिस्टम, असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें हमारे पास तीन मेजर टाइप्स क्या है, जब हम स्टडी करेंगे, जो आपको अगर पता होता है, फॉर्मेटिव, समेटिव, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवैल्यूएशन इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन। अब ये CBCS मेथड क्या है, ग्रेड पॉइंट क्या होता है, क्यूमुलेटिव पॉइंट क्या है, सिंपल क्वेश्चन, CGPA का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। फिर हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इनोवेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, जैसे अभी नेट का एग्जाम आपको सेंटर में जाना पड़ता है ना कंप्यूटर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इनोवेशन। और आजकल कौन से न्यू मेथड है, जैसे हम गूगल फॉर्म से इवैल्यूएशन कर रहे हैं, या हम क्विज फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, इवैल्यूएशन। तो जब हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं, टीचिंग हो जाती है, तो हमारा डेफिनेटली वहां पर क्या आ जाता है, इवैल्यूएशन। तो देखिए मेजर हमारे पास कितने सब टॉपिक्स है, टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, फोर्थ मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, फिर हमारे पास टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, फिर हमारे पास इवैल्यूएशन सिस्टम। तो यहीं से हमारा सिलेबस आना है। ठीक है, तो हमको ये जानना जरूरी है कि हमको ये कहां से स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, और क्वेश्चंस क्या आएंगे। तो जब हम इतना कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, हमें ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ पर हमको बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास हर टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूं इसी में से, तो ब्रॉड तो 6 टॉपिक से, तो कभी टीचिंग से आएगा, कभी इवैल्यूएशन से आएगा, कभी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, कभी कभी हो सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग से 2 क्वेश्चंस आए और मेथड्स ऑफ टीचिंग से बिल्कुल भी नहीं आए। तो बट हमारे पास यहीं से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया लेवल्स ऑफ टीचिंग, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग पता होने चाहिए, कितने लेवल्स ऑफ टीचिंग और उनका मीनिंग क्या है। तो लेट्स सी इन द 2 सेट्स गिवन बिलो। तो याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ द कॉलम, मैंने आपको हिंट दी थी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन टेबल की हेडिंग जाननी जरूरी है, और नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आप एक मैच करके इजी वे में आंसर फाइंड आउट कर सकते। तो कह रहे सेट 1 प्रोवाइड्स द लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड वाइल सेट 2 गिव देयर फोकस ऑफ कंसर्न। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग हमारे पास ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, हमारे पास है मेमोरी लेवल, हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और हमारे पास है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, सेट 2 में हमारे पास बात कर रहे फोकस ऑफ कंसर्न, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स एंड पीयर लर्निंग। अब यहाँ पर ये सारे टर्म्स है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या होता है, मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ पर जब तक मुझे इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। अब पहले सॉल्व करने से पहले हम जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे पास 3 है, एम से मेमोरी, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रिफ्लेक्टिव। तो आप यहाँ सकते हैं MUR, तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। अब जब मेमोरी लिखा है, तो मतलब मेमोरी से बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग, सेकंड है तो सेकंड से बेटर थर्ड होगा। तो लेट्स सी ये 3 लेवल्स क्या है। देखिए ये हमारे पास बताया रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा मिडल लेवल पर आता है, और मेमोरी लेवल हमारा सबसे लोवेस्ट लेवल। तो अगर ये पिरामिड फॉर्म पर है, तो आप जब याद रखिए जब भी एक लेवल के बाद हम दूसरे लेवल पर जाते तो बेटर होगा, हम सेकंड से थर्ड पर जाते तो डेफिनेटली थर्ड होगा। तो अभी देखिए मेमोरी लेवल को बोला गया लीस्ट थॉटफुल,
और उसको किसने दिया, हर्बर्ट। तो आपको याद रखना है मेमोरी लेवल इज गिवन बाय हर्बर्ट। तो ये प्रोपोनेंट किनो फाउंडर, तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो मेमोरी लेवल का प्रोपोंडर कौन है, मेमोरी लेवल किसने फाउंड किया या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए क्योंकि नेम्स एंड लेवल्स भी आते हैं। तो मेमोरी लेवल इज द लीस्ट थॉटफुल, वो लीस्ट थॉटफुल के अभी हम डिस्कस करेंगे एंड इट इज गिवन बाय हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल है थॉटफुल है, मतलब बेटर देन द मेमोरी लेवल एंड इट इज गिवन बाय मॉरिसन, ठीक है, वो मॉरिसन है। फिर हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल, मोस्ट थॉटफुल एंड इट इज गिवन बाय हंट। तो आपको इनके नाम याद रखने, और ये क्यों बोला है लीस्ट थॉटफुल, ये थॉटफुल और मोस्ट थॉटफुल, तो इसको हम स्टडी करते। तो कितने लेवल्स है हमारे पास, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। हमने यहाँ देखे थे तीन लेवल है, मेमोरी किसने दिया है, हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग किसने दिया, मॉरिसन ने, रिफ्लेक्टिव किसने दिया, हंट। अब आप इसको याद कर लीजिए एम और एच, आप जैसे मेमोरी और हार्ट का रिश्ता है तो आप याद रख सकते हैं हर्बर्ट, मतलब हार्ट याद कर लीजिए तो तुरंत याद हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हमको मॉरिसन ने दिया, तो जैसे अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से एम और यू, तो एम और यू इजी याद हो जाएगा, या तो आप यूएम याद रख सकते हैं। और रिफ्लेक्टिव हमारा थर्ड है, हंट ने जो दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद हो गया मेमोरी लेवल इज गिवन बाय हर्बर्ट, मेमोरी एंड हार्ट को मैंने याद करा दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज गिवन बाय मॉरिसन, तो मुंबई यूनिवर्सिटी का एम और यू याद हो गया, और दो आपको याद हो गए तो तीसरा आपको याद हो ही जाएगा। अब देखते हैं इसको हम लीस्ट थॉटफुल, थॉटफुल और मोस्ट थॉटफुल क्यों बोलते हैं। मेमोरी लेवल, जैसे हमारे बचपन में हमको मेमोरी लेवल गेम्स खिलाते थे ना, एक ट्रे में बहुत सारे आइटम्स लाते थे और बोलते थे देखो, और थोड़ी सेकंड दिखाते थे और बाद में हमको पूछते थे ट्रे में कितने आइटम्स थे। तो ये सब किसके ऊपर याद होता है, हमारी मेमोरी, हमने कितना ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, आप सिर्फ इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और नॉलेज टू द लर्नर, तो यू आर जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो हर्बर्ट इज कंसिडर द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी। तो देखो हमने देखा अभी मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट ने, मैंने बताया था आपको वो वर्ड पूछते प्रोपाउंडर, फाउंडर या एक्सपोनेंट, ये किसने दिया। तो यहाँ पर देखो दिमाग में जितना जा रहा है रजिस्टर हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर मेन मकसद क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। उस टाइम हमें कुछ समझ नहीं आता, जैसे हम बचपन में लर्न करते थे ए बी सी डी, टीचर ने जो रिदम में जो राइम में पढ़ा दिया हम घर आके वैसे ही रटते थे। आज तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, वो टोन क्यों ऐसे रहती है, रिदम क्यों रहती है, क्योंकि हमने बचपन से वो कैचअप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करें, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन, क्योंकि स्टूडेंट्स जब छोटे होते हैं बच्चे, उनको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, उनका तब समझने का लेवल नहीं होता है। हेल्पफुल इन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, यस आप रोज कुछ नया देख सकते हैं। यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स, क्योंकि आपको उनको रटवाना है सिर्फ, ठीक है, आप वहां पर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर रहे, थिंकिंग का काम नहीं कर रहे। बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स, अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है अंडरस्टैंडिंग, या मुझे अंडरस्टैंडिंग के बाद रिफ्लेक्टिव, तो पहले मेरी मेमोरी लेवल तो होना चाहिए। डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे, नॉट सुटेबल फॉर हायर, आप कितना रट्टा मार के जाएंगे। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, नेट सेट कॉन्सेप्चुअल है, आपने पहले सिर्फ नेट सेट के बारे जाना, ठीक है, वो आपका एक पता लगा, फिर उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करते कि सिलेबस क्या, फिर आप उसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पर ये हायर क्लासेस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम रट नहीं सकते। डोमिनेंस ऑफ टीचर, टीचर ने बच्चों को रटा दिया जैसे एबीसीडी, तो यहाँ पर टीचर का इंपॉर्टेंट, मतलब स्टूडेंट की कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको सिर्फ याद रह रहा है, ओके, रिकॉल कर रहा है, वो क्या रिकॉल कर पा रहा है जो उसने वहां पर देखा था। लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, आप कितना याद करेंगे। अगर आज मैं आपको 25 क्वेश्चंस करा दूं, हो सकता है 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ ले, बाकी नहीं। तो डिपेंड्स अपॉन अवर कैपेसिटी। यूज ऑफ रोटे मेमोरी, रोट रट्टा मार रहे, बार बार एबीसीडी रिपीट करा रहे, ए टू जेड जब तक लर्न नहीं होगा, जब तक टेबल्स लर्न नहीं होंगे उतना रटा रहे हम सिर्फ। प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, वो डिपेंड्स कितने स्टूडेंट्स है और कितने स्टूडेंट्स को हम रटा सकते हैं, तो वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेरिट देख लिया और डीमेरिट देख लिया। हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर पहुंचते हैं, टीचर ट्राइज टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शंस एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहाँ पर टीचर अपने नॉलेज शेयर कर रहा है। मेक द पीपल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल, यहाँ पर हम थोड़ी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ्रूट्स के नाम बताते, फिर हम बता रहे हैं कि फ्रूट्स के हम बेनिफिट्स बता सकते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड होगा। फिर आप देख सकते हैं हम फ्रूट्स के कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, हम उसको फ्रूट सैलेड बना सकते हैं या उसका मिल्क शेक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्चुअल यूज में ला रहे हैं। टीचर्स ट्राई टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, मतलब यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो रही है स्टूडेंट की, आप चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है, तो थोड़ी ग्रोथ स्टूडेंट की स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ रट्टा नहीं कर रहे। बोथ पीपल्स एंड टीचर्स पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन व्हाइल टीचिंग अकर्स एट द अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम टीचिंग इस लेवल पर करें तो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। और हमने ये पहले लेवल पर क्या देखा था, इसमें सिर्फ टीचर का डोमिनेंस था, मेरिट में हमने यहाँ पर डीमेरिट में देखा था
सेकंड पॉइंट डोमिनेंस ऑफ टीचर, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ आर पार्टिसिपेट. मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, मैंने आपको फर्स्ट डे फ्रूट्स के नाम रटवा दिए, फिर मैंने आपको नेक्स्ट डे बताया अगर मैंगो है तो आपको पता है वो येलो कलर का हो सकता है, वो ऑरेंज का कलर का हो सकता है, क्या क्या वो ग्रीन कलर का हो सकता है. फिर मैंने आपको बताया वो समर का फ्रूट है, फिर मैं आपको बता रही हूँ उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या, क्या वो डायबिटीज वाले लोग. तो यहाँ पर हम चीजों को अंडरस्टैंड कर, तो दिस इज लिटिल बेटर देन द मेमोरी लेवल. थर्ड लेवल हम देख लेते हैं रिफ्लेक्टिंग. इट इज द स्टेज ऑफ लर्निंग विच स्टूडेंट्स डू नॉट मियरली रिपीट. ठीक है, वो स्टेज है जहां पर हम सिर्फ रिपीट और रिवाइज नहीं कर रहे और आंसर द क्वेश्चन आई आस्क फॉर, नॉट डू दे ओनली अंडरस्टैंड लर्न इंटर रिलेट और इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट्स बट ऑल्सो दे पॉन्डर अप. तो यहाँ पर वो सिर्फ समझ रहे नहीं है, सिर्फ लर्निंग नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे से जोड़ रहे नहीं है या उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बट दे ऑल्सो पॉन्डर, मतलब उनको थिंकिंग कैपेसिटी आ गई, वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर. अब जैसे मैं आपको बोलूं पीएचडी रिसर्च कर रहे हम, रिसर्च में आपको वन टू वन गाइडेंस नहीं मिलती, यू हैव अ मेंटर हु जस्ट गाइड्स यू, ठीक है, सपोर्ट्स यू, बट एक्चुअल क्या क्या करना है आपका टॉपिक है आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर आपकी थिंकिंग, यहाँ पर आपका लेवल पता लगता है, सबसे हाईएस्ट लेवल. ठीक है, कॉन्टेम्पलेट एंड पे सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन टू द प्रेजेंट इन कॉन्टेंट. तो आपसे अब रट्टा नहीं मारे, आपसे समझ रहे नहीं, आपकी यहाँ पर थिंकिंग इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ गई. तो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल. इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो हमारा बेस था फर्स्ट वाला, पहले हम मेमोरी करेंगे फिर अंडरस्टैंड करेंगे फिर हमारे पास रिफ्लेक्टिव आएगा. मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एट मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टेक प्लेस बिफोर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग स्टार्ट्स, बराबर है. इट मींस प्रॉब्लम सेंटर. तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम कोई दिया जाता है उस पर रिफ्लेक्ट करें, जैसे मैंने बताया रिसर्च स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम, आप उस लेवल पर काम कर सकते हैं. अब आपकी मेमोरी लेवल में टेस्ट नहीं कर रही हूँ, अंडरस्टैंड आप कर चुके इतने लेवल तक मास्टर्स तक पढ़ के, अब आप एक हायर लेवल पर आ गए तो आप एक प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच को सॉल्व कर सकते हैं. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर. तो यहाँ पर आपके सबसे हाईएस्ट लेवल का टीचिंग में सबसे आपका हाईएस्ट लेवल का लर्निंग हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल का टीचिंग एप्टीट्यूड का एक लेवल. तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हर स्लाइड से हम कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं. अब पूछे सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है, तो मेमोरी, क्योंकि इसमें रट्टा है. अगर मैं आपको पूछूं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में रट्टा का कॉन्सेप्ट है तो नहीं, क्योंकि रोट लर्निंग हमने कहाँ का फीचर पढ़ा, मेमोरी का. अंडरस्टैंड में हम थोड़ी बेसिक लेवल पर आ गए, ठीक है, हम समझ सकते चीजें. अगर मैं बोलूं पीएचडी रिसर्च हाईएस्ट फॉर्म कहाँ पर कौन से लेवल पर है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल. तो यहाँ पर आपकी कैपेसिटी पर, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट की डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, रिफ्लेक्टिव लेवल. सबसे कम डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, मेमोरी पर, क्योंकि वहां पर छोटे बच्चों के लिए कौन सा सुटेबल. अगर मैं पूछूं रिफ्लेक्टिव की मेमोरी, डेफिनेटली मेमोरी, क्योंकि उस टाइम तो हमें सोचने की क्षमता ही नहीं होती, हम जितना पढ़ रहे हैं अभी हम वो बेस अभी बना रहे हैं. तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है या कौन सा हाईएस्ट लेवल या लोएस्ट फॉर्म है. तो देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, बट यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए. आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मैच द कॉलम आ सकता है, या मैं आपको बोलूं ऐसे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अब हमें तुरंत पता है कि जब मैं यहाँ पर रीड करती हूँ सेट टू, रिकॉल अप करेगी जब हमने मेमोरी में देखा था. ठीक है, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको बताया ये रिफ्लेक्टिव का मतलब है. सेकेंड अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स. तो ये जो हमारा फोर्थ है, यहाँ पर हम सीइंग ऑफ अमंग फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करें. जैसे मैंने आपको फ्रूट्स बता दिए, फिर मैं उनको जोड़ रही थी उसके बेनिफिट्स से. ठीक है, तो अभी देखते हैं मेमोरी लेवल. मुझे लगता है बी और थ्री मैच हो रहा है, तो बी और थ्री कहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है. तो अगर मैं श्योर हूं अभी उन्होंने एक ही में दिया है, अब मैं देख लेती हूँ अंडरस्टैंडिंग सी किससे मैच हो रहा है, फोर से हो रहा है. सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, बिल्कुल, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग में हम यही कर रहे हैं. और रिफ्लेक्टिव लेवल मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये मेरा मैच हो गया. तो इसका मतलब ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या हो गया, टू अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स. ये अब आपका फर्स्ट बनता है, आप ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या स्टडी करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया नेट सेट रटा नहीं है, सब कुछ अगर टीचर ही आपको पढ़ा रहे तो आप खुद मेहनत कहाँ कर रहे हैं. तो आज आपके लिए होमवर्क है, आप ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल को भी स्टडी करें. बट यहाँ पर देखो मैंने कितने इजी तरीके से आंसर फाइंड आउट किया, मुझे कॉन्सेप्ट का मतलब पता था, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ आ गए थे, कौन सा लेवल बेटर है, किसने किस कौन सा प्रोपाउंडर है इसका. तो यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं, ऑटोनोमस लेवल मैच हो रहा है टू से तो अफेक्ट्स एंड फीलिंग, मेमोरी लेवल मैच हो रहा है थ्री ऑप्शन से तो रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच हो रहा है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल मैच हो रहा है हमारा प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाए, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आने दो, इस क्वेश्चन से आपके टू मार्क्स कन्फर्म है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं.
assertion and reasoning. Assertion and reasoning में students को क्या doubt होती है? देखिए बच्चों, दो statements होती है, एक होती है assertion और reasoning. Assertion may be true, reasoning may be true, और either they may be false. इन दोनों के बीच में relationship भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता. देखिए जब हमारे options है ना, क्या दिए हुए, A, both A and R true and R the correct answer. मतलब दोनों statements true है और उनके बीच में relationship भी है. मतलब A और R एक दूसरे को justify कर रहे. Second option, both A and R true, but R is not. A and R भले true है, but वो एक दूसरे को justify नहीं कर रहे. A is true, but R is false. या तो एक false है, but A is full, but R is true. तो अब देख लेते हैं assertion. If a teacher wants to improve his or her abilities, कह रहे अगर एक टीचर को अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, as an effective classroom communicator, मतलब क्लास में वो जैसे बात करे, he or she should first understand the students. Yes, ये तो basic rule है. आप relationships की बात कीजिए, parenting की बात कीजिए, teaching की. सबसे पहले आपको अपने students को understand करना जरूरी है. ठीक है, अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे और सुनेंगे नहीं तो हम अंडरस्टैंड कब करेंगे. तो लेट्स रीड अगेन. इफ अ टीचर वांट्स टू इंप्रूव हिज और हर एबिलिटीज एज एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर, ही और शी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स. दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू. जब मैं बोल रही हूँ 100% ट्रू है, तो इसका मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा? डी, क्योंकि मुझे पता है ए इज ट्रू. ठीक है, अभी नेक्स्ट रीजन क्या, उसका रीजन ये है, the ability to understand students and intended listening are disjointed propositions. अब देखिए इसमें वर्ड ही ऐसा कि समझ, तो कह रहे हैं तो अगर हमें स्टूडेंट्स को समझना है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड उनकी लिसन करना, हमको वो क्या बोल रहे, क्या बात कर रहे, आर डिसजॉइंटेड. डिसजॉइंटेड होता है अलग, दे आर नॉट कनेक्टेड. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बच्चे क्या समझ रहे, बच्चे क्या सुन रहे, ये सब, या हम क्या पढ़ा रहे, ये हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो दे आर नॉट डिसजॉइंटेड. ओके, इन फैक्ट इट शुड बी कनेक्टेड. सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस में बताया था यहाँ पर आंसर अक्सर पॉजिटिव आना चाहिए. तो जब डिसजॉइंटेड इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट इज नॉट कनेक्टेड. डिसजॉइंटेड मतलब मैं बता रही कुछ और आप समझ कुछ और है, या मैं आपको कोहेरेंस, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ टीचिंग को. तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड इंटेंडेड लिसनिंग, दे आर नॉट डिसजॉइंटेड, इनफैक्ट दे आर कनेक्टेड. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स. तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. कितना ईजी था ये स्टेटमेंट, बट इसको किसने डिफिकल्ट बनाया? हमारे इन वर्ड्स ने, इंटेंटेड लिसनिंग और डिसजॉइंटेड. तो अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, तो आपका आंसर इजी वे में फाइंड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. आप कह रहे हैं इनमें से कौन से क्लासरूम के फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस अफेक्ट इम्पैक्ट करे टीचिंग की इफेक्टिवनेस. अब देखो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है विच कैन प्रोड्यूस रिजल्ट, मतलब एक अच्छी टीचर को रिजल्ट लाना है तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करें. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव तो है नहीं ना, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग नेगेटिव. तो मैं यहाँ से क्या कोशिश करूंगी, नेगेटिव को एलिमिनेट करूंगी. मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आंसर. तो पहली स्टेटमेंट, प्रायर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, एडहरेंस टू लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टीचर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर्स बिलोंग, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय द टीचर, और कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया यहाँ पर पॉजिटिव ढूंढना, प्रायर टास्क रिलेटेड भी, हमें बच्चों का पहले टास्क में क्या काम किया, उनका थोड़ा बैकग्राउंड, मतलब उनको कितनी नॉलेज. अब देखो मैं आपको आके डायरेक्टली है ना नेट सेट पढ़ा दूं और आपने मास्टर्स कंप्लीट ही नहीं किया, ऐसे थोड़ी ना होगा. तो मुझे प्रायर एक रिलेटेड बिहेवियर, उनकी नॉलेज कितनी, उनका लेवल क्या है, ये जानना चाहिए. तो ये फर्स्ट तो आना ही चाहिए. Adherence मतलब follow to linear pattern. अब आपको communication याद है, अगर आपने study किया linear pattern में, linear pattern क्या होता है, एक ही teacher ही सिर्फ बोल रहे हो, student नहीं, उसमें feedback का concept नहीं. तो क्या आपको बोल pattern of communication, मतलब straight teacher सिर्फ बोल रहे हो, student को opportunity. So do you need to follow this? I don't think so, this should be, because this is negative. Linear के बाद हमारे पास बहुत सारे levels है. ठीक है, linear transactional model होता है जो हम फिर follow करते classroom में, या हमारे पास convergence model है जो कम्युनिकेशन का पार्ट है. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर्स बिलोंग, क्या स्टूडेंट्स का सोशियो सोसाइटी और इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस मैटर करता है? क्या स्टूडेंट गरीब है तो मैं उसको अलग तरीके से पढ़ाऊ, क्या स्टूडेंट रिच है तो अलग तरीके से पढ़ाऊ. ठीक है, ये भी नेगेटिव हो गया. इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय द, यस आपको टेक्नोलॉजी आती है, आप बहुत टेक सेवी, बट अगर आप उसकी पढ़ाई में यूज नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए तो डज नॉट मेक सेंस. तो इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट मतलब गलत यूज. कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है, स्टूडेंट्स कौन से रेस से आ रहे, कौन से एथिक्स से आ रहे हैं, या कौन सी लैंग्वेज से. तो यहाँ पर भी देखते कौन से फैक्टर्स. अब मुझे श्योर है कि थर्ड होना ही नहीं चाहिए आंसर, थर्ड स्टेटमेंट. तो क्विकली हम देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट, ए ऑप्शन जाएगा,
बी ऑप्शन में भी थर्ड स्टेटमेंट है और डी में भी. इसका मतलब मुझे कंफर्म हो गया सी हैज टू बी द आंसर. देखो मैंने एक स्टेटमेंट से आंसर ढूंढ लिया. अब उन्होंने ऐसा नहीं किया था, हर ऑप्शन को मैस नहीं किया था, तो थर्ड एलिमिनेट हो जाता है. तो मतलब इसका मतलब मुझे सी ही आंसर है. तो प्रायर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट जानना जरूरी है. सेकेंड, एडहरेंस, यू शुड फॉलो द लीनर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टीचर. अब वो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, लीनर पैटर्न फॉलो करने को बोल रहे हैं. मैंने आपको बताया था अगर ये नेगेटिव है तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमको फॉलो करना जरूरी क्यों बताया जा रहा है, देखो हमारे ऑप्शन में वो आ रहा है, ठीक है. और थर्ड है हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये तो नहीं आएगा. इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय द टीचर, अगर हम इनएप्रोप्रिएट यूज करेंगे तो उसका गलत रिजल्ट आ सकता है. तो ये आंसर भी हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा. कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा, वो जानना जरूरी है. तो यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन में नहीं. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन था, कौन से इफेक्ट करते इन्फ्लुएंस, तो ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ये हमें कैसे समझ आया हमने जब यहाँ से स्टेटमेंट्स पढ़ी, ठीक है. बट मैं श्योर थी कि थर्ड वाला आंसर होगा ही नहीं, तो इट वॉज सो क्विकली इजी. हो सकता है कभी आपको लगे ये स्टेटमेंट भी डाउटफुल है, तो आप अपना अप्रोच बदलिए. क्योंकि यहाँ पर मुझे जब 100% श्योर था थर्ड वाला आंसर हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली अगर मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट में डाउट था बट वो आंसर में आ रहा है तो इट हैज टू बी द आंसर. और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए नेट सेट के लिए क्या होता है, बेस्ट सुटेबल आंसर इज द करेक्ट आंसर. कभी कभी वो आंसर की रॉन्ग होती है या हमारा आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, बट हमें क्या याद रखना है, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट सुटेबल. तो यहाँ पर कौन से फैक्टर्स मैंने फाइंड किए, सी, ऑप्शन नंबर सी. तो 1, 2 and 4 मैं श्योर थी थर्ड आंसर नहीं, अभी मुझे फिफ्थ डाउटफुल लग रहा था, बट वो फिफ्थ उस ऑप्शन में आ रहा ही नहीं है. हो सकता है. तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में डाउट आ जाए आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाजिए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको नेगेटिव फाइंड करना पॉजिटिव. और हो सकता है आप जैसे डाउट हो रहा था कहीं पर, जैसे मैं बोल रही थी आंसर नहीं होना चाहिए, बट उस टाइम हमारे पास ये बेस्ट सुटेबल आंसर यहीं पर है. तो यहाँ पर हम इजी वे से हमारा सी आंसर को हमने फाइंड आउट किया, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आपको आज कितने कॉन्सेप्ट समझा दिए. पहले तो हमारा ये मेन था जिस पर हमारे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया. मैंने आपको एक एसर्शन रीजनिंग भी एक्सप्लेन कर दी, और लास्ट में मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट बेस को भी आप कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हो. आप प्लीज, नेट सेट का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप फॉर्म भर दीजिए नेट का, लास्ट डेट के लिए वेट ना कीजिए. और मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट.